कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। कौल सिंह ठाकुर मंडी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा दायर चार्जशीट से आज भाजपा बेनकाब हुई है। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। कौल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस द्वारा दायर की गई चार्जशीट पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज कांग्रेस द्वारा जनता के समक्ष रखी गई चार्जशीट से लोग भाजपा की कार्यप्रणाली से परिचित हो गए हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा का शासन होने के बावजूद कांग्रेस प्रदेश की चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी। अभी हमने भाजपा के खिलाफ एक ठोस भाजपा के खिलाफ भ्रष्टाचार उमिशन कमीशन बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था वगैरह वगैरह के खिलाफ जो है एक आरोप पत्र दिया है, जिससे भाजपा पूरी तरह बुखला गई है और हिमाचल प्रदेश की जनता को पता लग गया है कि 16 महीने में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक जो है ये सिर्फ भ्रष्टाचार में ही डूटे डटे रहे और विकास को पूरी तरह हिमाचल प्रदेश में भूल गए हैं। विकास हिमाचल में ठप होकर रह गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पहली बार एक इतिहास हिमाचल प्रदेश में दोहराया जाएगा, जबकि हिमाचल में भाजपा की सरकार है लेकिन चारों सीटें जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत रही है और श्रीमती सोनिया गांधी की झोली में जा रही है और केंद्र में निश्चित तौर पे यूपी की सरकार बन रही है। चुनावों के दौरान आयोजित की गई रैलियों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की रैलियों को सफल और भाजपा की रैलियों को फ्लॉप करार दिया। उन्होंने कहा कि आज केवल मात्र 16 महीनों के कार्यकाल में ही भाजपा की लोकप्रियता का ग्राफ गिर चुका है। मैं कह सकता हूं कि सोनिया गांधी जी का कार्यक्रम हुआ, वहाँ 50-60 हजार लोग इकट्ठे हुए शिमला में, यहाँ राहुल गांधी जी की पिछले कल ही 3 मीटिंगें हुई, वहाँ भी हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, जबकि उसके मुकाबले में बीजेपी के बड़े बड़े नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी भी आए, नरेंद्र मोदी भी आए, लेकिन उनकी जनसभाएं पूरी तरह फ्लॉप हुई। लोगों में कोई उत्साह भाजपा के लिए नहीं था और मैं पहली बार देख रहा हूँ कि भाजपा सरकार को यहाँ बने हुए हिमाचल में 16 महीने हुए हैं, 16 महीनों में भाजपा की सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है, इनकी लोकप्रियता का ग्राफ जो है बहुत नीचे गिर चुका है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि अभी भाजपा के नेताओं ने शायद कांग्रेस द्वारा दायर की गई चार्जशीट को सही ढंग से पढ़ा नहीं है, लेकिन जनता भाजपा की कार्यप्रणाली को बारीकी से पढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। विश्व नर्सिंग दिवस के मौके पर मंडी स्थित जोनल हॉस्पिटल में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विदित है कि मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर नर्सिंग डे का आयोजन किया जाता है और इसे पूरे सप्ताह भर मनाया जाता है। विश्व नर्सिंग दिवस के मौके पर मंडी स्थित जोनल हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी के अरोड़ा बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजित समारोह के दौरान मंडी में नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर डी के अरोड़ा ने नर्सेज को चिकित्सा की बैकबोन करार दिया, साथ ही नर्सों से अपने कार्य को और कुशलता से करने का आह्वान भी किया। जो नर्सेज हैं ये मेडिकल प्रोफेशन की बैकबोन है, पर कोई भी डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है या केस को एडमिट करता है उसकी सारी केयर उसके कहने के बाद सारी नर्सेज के ऊपर होती है। इसमें हमारे स्कूल ऑफ नर्सिंग ने पार्टिसिपेट किया है, हमारी नर्सेज जो स्टाफ नर्स है उन्होंने किया है, मेट्रन नर्सिंग स्टूडेंट सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनका मैसेज ये है कि ये अपनी लाइफ है हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए करते हैं और मेरा ये है इस प्रोफेशन को डिवोशन डेडिकेशन और एक मिशनरी जील से अगर ये काम करेंगे तो जितने भी हमारे रोगी हैं जितने हम यहाँ पे उपचार करते हैं वो इनसे ठीक होके जाएंगे और भगवान इन्हें इसका फल जरूर देगा। समारोह में उपस्थित हुई नर्सिंग कोर्स की छात्राएं भी समारोह को लेकर खासी उत्साहित नजर आई।
मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तबके के हो, कोई भी कास्ट के हो, हमें ना किसी जाति का भेदभाव रखना चाहिए ना रंग का। हमें जब उनकी मजबूरी में हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और जब हम उनकी मदद करते हैं तो उससे हमें खुद को एक आत्म शांति मिलती है और बहुत सारे लोगों की दुआएं मिलती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे के ऊपर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम लोगों का बिना किसी भेदभाव के हर पीड़ित और बीमार आदमी का सेवा करें, जितना हो सके उनकी मदद करें। इस मौके पर मंडी जिला के अंतर्गत आने वाले अन्य अस्पतालों से आई नर्सों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जहां अनेकों ऐसे स्थान आज भी मौजूद हैं जो देश के इतिहास में विशेष स्थान रखते हैं। यदि हम बात करें पांडव काल की, तो मंडी में ऐसे भी स्थान हैं जो पांडवों के यहां आगमन के आज भी साक्षी हैं। आज हम आपको लिए जा रहे हैं मंडी के दूर दराज के क्षेत्र में स्थित ममलेश्वर महादेव मंदिर की ओर। माना जाता है कि यहाँ वही स्थान है जहाँ कभी पांडवों ने काशी स्थापित करने की योजना बनाई थी। मंडी जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर करसोग क्षेत्र, यहाँ स्थित है भगवान शिव का मंदिर, जिसे ममलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। पांडवों को मिले अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने एक लंबा समय हिमालय की इन्हीं पहाड़ियों पर बिताया, इसीलिए करसोग घाटी खुद में एक विशेष स्थान रखती है। करसोग स्थित ममलेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो त्रेता युग में भगवान परशुराम द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। कथन है कि भगवान परशुराम के पिता यहां तपस्या करने आए थे और इसी दौरान उनका ममलेशा नामक स्त्री के साथ मोहपाश हो गया। कहा जाता है कि ममलेशा ने अमल और विमल नामक दो पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें जन्म के साथ ही यहाँ से बहने वाली दो अलग अलग नदियों के किनारे छोड़ दिया गया। यह दोनों नदियाँ इस कस्बे के साथ बहती हैं। कहा जाता है कि इस घटना के बीत जाने के बाद परशुराम ने इस स्थान पर आकर अपने पिता के प्रायश्चित के लिए यहाँ तपस्या की और इस मंदिर की स्थापना भी की। करसोग में स्थित इस मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम द्वारा संपन्न हुई, लेकिन इस पर भव्य मंदिर का निर्माण लंका नरेश रावण द्वारा करवाया गया। रावण की भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था होने के कारण उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को भी लंका से रावण द्वारा पुष्पक विमान के माध्यम से भिजवाया गया था। मंदिर में स्थापित यह मूर्ति भी अपने में विशेष स्थान रखती है। इस मूर्ति में भगवान शिव का पूरा परिवार विराजमान है। इस मूर्ति के पीछे महाकाल की भी एक मूर्ति स्थापित है, जिसे कोई नहीं देखता। स्थानीय लोगों में महाकाल की मूर्ति के प्रति ऐसी धारणा है कि यदि कोई इस मूर्ति को देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक कि इस मंदिर के पुजारी भी इस मूर्ति को नहीं देखते। पांडवों के समय का यह गेहूं का दाना आज भी इस मंदिर में सुशोभित है। यहाँ के स्थानीय लोगों को मिले इस वरदान के चलते आज तक इस गांव में कभी भी ना तो फसल खराब हुई है और ना ही यहाँ किसी के घर में अनाज की कमी आई है। इस मंदिर में किसी जमाने में नर बलि की प्रथा भी हुआ करती थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि समय पर बारिश ना मिल पाए तो ममलेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की जाती है और उपरांत इसके बारिश का उपहार मिल जाता है। करसोग में स्थित इस प्राचीन मंदिर में पहुंचकर श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को फलीभूत होता पाते हैं। रिपोर्ट के चैनल करसोग मंडी। एक नज़र के इस अंक में फिलहाल इतना ही। एक नज़र संबंधी कोई भी सुझाव या जानकारी आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है कवल कम्युनिकेशन 173/3 पैलेस कॉलोनी मंडी हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।